जी। अरे मैडम बात कर लेने दीजिए ना, बात कर लेने दीजिए ना, अभी जो दी है ना, आप ही लोग आए हैं बात करने, आप ही लोग जवाब चाह रहे हैं, तो मैंने ले लिया, मैं करवाता हूँ, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, मैंने कोई वीडियो दिए नहीं साहब, आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज, वार्ड सागर वाले में। उसमें भी मैं बता देता हूँ, पहले भी मैंने बताया था, जो आपने वीडियो उपलब्ध कराए हैं उसी आधार पर ही हमने FIR की है। दूसरा, मैंने उस दिन भी जो आपने बहुत सारे इसमें अलग हैं, लेकिन अब मैं क्या है कि बहस में नहीं पड़ना चाहता। आपने कहा 3 घंटे बाद पहुंचे, आप खुद ही बता दीजिए उसमें दिन के भी फोटो हैं, जब आपने 4:30 करीब 4:45 को फ़ोन किया था, SDO के साहब उसके 15-20 मिनट आधे घंटे पहुंच गए होंगे, क्योंकि जितना रैली से आने में समय लगता है। नहीं पहुंची ना सर। ठीक है, अब आप सच्चा में आप कह रही हैं, आप कह दीजिए, इसलिए मैंने कहा ना कि विवाद में या आपसी वाद विवाद की बात नहीं है सर, उसमें अरे फिर वही बात है ना, नाम तो जुड़ जाए, हम लोग नाम बता रहे हैं ना, अरे अब आरोपी है, मैडम जो नाम बता रहे हैं फिर वही बात है। आप मैं आप 5 मिनट बोला, आप मुझे बोलो, बोलने तो दो जी। दूसरा सब दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, उस दिन भी मैं आपसे कह रहा था, आप लोगों ने मुझे नहीं दिया, आपने जो वीडियो दिए हैं आप उसमें खुद हर वीडियो का 1-1 सेकंड का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप गोला बना के दीजिए कि साहब ये फलाना फलाना है, ये फलाना फलाना है, आप खुद पहचानते हैं ना। वहाँ पे 500 लोग मैडम, हम लोग को सर वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं, एक मिनट, आप खुद ही कह रहे हैं, आप लोगों ने 50 नाम उसमें दे दिए, मेरा ये कहना है, और आप उस समय शायद उस दिन वहाँ नहीं थे, मैं पहले मिनट से इनसे कह रहा हूँ कि आप जो वीडियो है आपके पास है वीडियो, अरे मैडम बात कर लेने दीजिए ना, बात कर लेने दीजिए ना, अभी जो दी है ना, आप ही लोग आए हैं बात करने, आप ही लोग जवाब चाह रहे हैं, तो मैंने ले लिया, मैं करवाता हूँ, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें आप मुझे लॉजिकल गलत बता दीजिए कि मैं क्या गलत दिमाग। ठीक है, आपने जो वीडियो दिया है, आप यदि नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप कह रहे हो कि हम पहचानते हैं तो आप उस वीडियो को बढ़िया प्रिंट आउट लो, उसमें ये बताओ कि साहब ये है, अगले सेकंड आपको जितने पहचान सकते, मैं नहीं कह रहा आप पूरे 500 पहचान, तो हमें पहचानना है, लेकिन आप कह रहे हो कि साहब आप गलत पहचान रहे हो, आपने गलत लोगों को भर दिया, आपने इसमें लिखा हुआ है आप, मैडम मैडम एक मिनट रुक जाइए, मैडम आप रुक तो जाइए, अरे सर सर एक मिनट सुनो तो सर, सर इतनी बड़ी घटना को पुलिस ने जिस तरीके से हल्की घटना बना के पेश कर दिया, एक भी मामला उसमें ऐसे दर्ज नहीं हुआ, मतलब अरे विवाद की नहीं सर, इस तरीके से थोड़ी हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई सर, ये आग्रह है मैं अभी आप सहमत हो गए, आप 4 तो बता दो, मेरा ये कहना है आप क्या चर्चा करना है, क्या नहीं हो रहा, आप जो पॉइंट आपके निराकरण के हैं वो प्लीज आप अपने स्तर पे न्यायिक कार्रवाई हम लोग चाहते हैं करेंगे। उनको भी हम चेक कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि मैं उसको नाम को नकार नहीं रहा हूँ, आपने जो नाम दिए हैं उन पर ही जांच कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो कहा ना कि मैं पहले सेकंड से कह रहा हूँ कि भाई मैंने कोई वीडियो दिए नहीं साहब, हम लोग यही चाहते हैं कि कुछ हम लोग आपके हिसाब से बात नहीं कर पाते, न्याय चाहिए। अब इसमें तो सर जो देखा है, देखने वाले लोग हैं और कह रहे हैं कि ये लोग थे, इन्होंने मारा है, उनको तो कम से कम उनसे जैसे रामा अवतार को इनके इनके पाँव में फ्रैक्चर है, हाथ में 2 फ्रैक्चर है, सिर में 11 टांके हैं, और दूसरे के नाक के यहाँ पर मुंह उसका कुचल दिया गया है, तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर क्या? प्रॉपर धाराएं नहीं लगनी चाहिए? 452 घर पे चल कर 452 लगनी चाहिए सर। इनकी इन्होंने 2 घटनाक्रम के संबंध में ज्ञापन दिए हैं, पहले भी इन्होंने आवेदन दिया था, दोनों ही घटनाक्रमों को पुलिस बहुत ही गंभीरता से जांच कर रही है, और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस तथ्य पे बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई होगी, दोनों ही प्रकरण विवेचना में है, और हमने उनको भी आश्वासन दिया है, और मैं खुद भी आश्वासन करता हूँ कि जो साक्ष्यानुसार पूरी कार्रवाई, मैंने जैसा आपको बताया कि जो चोटों का जो मेडिकल परीक्षण होता है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो कानूनी धारा है वो सभी धाराएं लगाई भी गई हैं, और भी जो आगे यदि चोटों की उसमें आता है कि और गंभीर चोटें हैं तो धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं, वो सभी विवेचना में है।
तो विवेचना की जो कार्रवाई है पूरी होगी, साक्ष्यानुसार होगी और कानूनी कार्रवाई। उन्होंने जो आवेदन दिया है उसमें जितने भी नाम उन्होंने दिए हैं उस सबके सब तारतम्य में विवेचना की जा रही है। जो जो भी नाम उसमें आ रहे हैं, यदि विवेचना में जो भी चीज़ें आएंगी साक्ष्यानुसार ही कार्रवाई इसमें चलेगी। विवेचना अल्टीमेटली उसमें सभी तथ्यों पर विवेचना करनी होती है। जैसा आपने खुद देखा कि इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, किसी भी आरोप की सरसरी तौर पर विवेचना ना हो, कोई आरोपी बचने ना पाए, कोई जो अपराधी है उसको बचना भी नहीं चाहिए, लेकिन कोई निर्दोष उसमें फंसना भी नहीं चाहिए। दोनों ही मुख्य मुद्दे होते हैं न्याय करने के और विवेचना करने के, तो उनका ध्यान रखना चाहिए। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।